हेलो फ्रेंड्स, कुपित मनीषा में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वैलेंटाइन डे स्पेशल स्ट्रॉबेरी केक की रेसिपी। तो आज के वीडियो में आप देखेंगे कि बिना अंडे का स्ट्रॉबेरी बेसिक केक कैसे बनाते हैं, वो भी ग्लेज के साथ। इस केक को आप किसी के जन्मदिन, शादी की सालगिरह या फिर खास मौके पर बनाकर खा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने बोल के अंदर 1/4 कप घी डाल दिया है, साथ ही साथ 1/4 छोटा कप पिसी हुई चीनी डालेंगे। तो ये पाउडर शुगर और घी को हमें 1 मिनट तक अच्छे से फेंट लेना है, कुछ इस तरह से। 1/4 छोटा चम्मच वनीला एसेंस डालेंगे और 1/4 छोटा कप हमें स्ट्रॉबेरी सिरप डालना है। स्ट्रॉबेरी सिरप आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। आधा कप दूध डाल देंगे और इन सारी चीजों को हमें एक साथ अच्छे से फेंटते हुए मिला देना है। अब हम कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डालते हैं। तो छन्नी लेंगे और छन्नी के अंदर मैंने 1 कप मैदा डाल दिया, 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे, 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे और 3 बड़े चम्मच मैंने मिल्क पाउडर लिया है। मिल्क पाउडर यहाँ पे डालना ऑप्शनल है। इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमें छन्नी की मदद से छान लेना है ताकि इसके अंदर लम्स बिल्कुल भी ना रहे। इन सारी चीजों को हमें एक साथ हल्के हाथों से सिर्फ मिला देना है। इसे मिलाते समय अगर ऐसा लगे बहुत ही ज्यादा गाढ़ा है तो इसे पतला करने के लिए यहाँ पे मैंने 3 बड़े चम्मच दूध डाला है। इसे हमें सिर्फ मिलाना है, बहुत ज्यादा नहीं फेंटना है। यहाँ पे आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये देखिए। एक बोल के अंदर मैंने 1 बड़ा चम्मच सूखा मैदा लिया है क्योंकि हम इसके अंदर डालेंगे 4 बारीक कटी हुई स्ट्रॉबेरी। तो कटी हुई स्ट्रॉबेरी को सूखे मैदे के अंदर एक साथ मिलाने के बाद इस मिश्रण को हमें केक के बैटर के अंदर डाल देना है। बेसिक केक जालीदार बने इसलिए मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1/4 छोटा चम्मच विनेगर। आप इसकी जगह पे नींबू का रस भी डाल सकती है। ऐसा करने से केक बहुत ही ज्यादा स्पॉन्जी बनता है। तो इन सारी चीजों को हमें हल्के हाथों से मिला देना है। तो यहाँ पे अपना केक का बैटर बनके तैयार है। केक टैन के अंदर मैंने बटर पेपर और घी से ग्रीस कर लिया है। तो ग्रीस करे हुए केक टैन के अंदर हम ये सारा केक का बैटर डाल देंगे। अब मैं इसे प्री हीट ओवन के अंदर 180 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख दूंगी। आप इसे कुकर या कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अपना केक बहुत ही बढ़िया सा बेक होके तैयार है। अभी बहुत ही ज्यादा गर्म है तो इसे मैंने 1 घंटा ठंडा होने के बाद ही अभी मैं डिमोल करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको चाकू की मदद से केक को केक टैन के किनारों से अलग कर लेना है। इसके ऊपर प्लेट रख देंगे और इसे हम केक टैन से बाहर निकाल लेंगे। इसके ऊपर का बटर पेपर को हम हटा देंगे। तो अब तक आपने देखा कि बेसिक स्ट्रॉबेरी स्पॉन्ज केक कैसे बनाते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया और जालीदार, बहुत ही ज्यादा स्पॉन्जी और मॉइस्ट केक बनके तैयार है। आप चाहे तो इस केक को ऐसे ही खा सकते हैं, पर आज मैं आपको व्हाइट चॉकलेट से इंस्टेंट और झटपट ग्लेज बनाना बताने वाली हूँ। तो उससे पहले मैंने प्लेट के ऊपर एक जाली और जाली के ऊपर एक केक रख के साइड में कर दिया है। व्हाइट चॉकलेट ग्लेज बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ये वाला व्हाइट कंपाउंड लिया है। अगर आपको इसको खरीदना है तो इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दी है। तो 1 कप कटा हुआ व्हाइट चॉकलेट मैंने बोल के अंदर डाल दिया, 1/4 कप हम गर्म दूध डालेंगे और 1/4 कप हम स्ट्रॉबेरी सिरप डालेंगे। आप चाहे तो 2-3 बड़े चम्मच भी स्ट्रॉबेरी सिरप इसके अंदर डाल के मिला सकते हैं। तो हमने देखिए यहाँ पे गरम दूध डाला है ना, तो इंस्टेंट ये व्हाइट चॉकलेट मेल्ट हो जाती है। तो यहाँ पे अपना केक के ऊपर डालने के लिए ये ग्लेज बन के बिल्कुल तैयार है। इसे हम केक के ऊपर डाल देंगे चारों तरफ से, कुछ इस तरह से। इससे पहले मैंने बहुत सारी केक की रेसिपी मेरे चैनल के ऊपर अपलोड की है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। तो आपने देखा कि बिना क्रीम और बिना बटर के हमने झटपट एक ग्लेज को कितने आसानी से बना लिया है। केक के ऊपर हम थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं इस शुगर बॉल की मदद से। आप चाहे तो इसके ऊपर कलरफुल स्प्रिंकल भी डाल सकते हैं। केक को हम सेट होने के लिए 1 घंटे तक फ्रिज के अंदर रख देंगे।
केक फ्रिज के अंदर रख के एक घंटा हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लेज है ना थोड़ा सा जम गया, उसके बाद ऊपर में थोड़ा सा डेकोरेट लूंगी। तो यहाँ पे मैंने स्लाइस में कटी हुई स्ट्रॉबेरी इसके ऊपर रख रही हूँ। तो आज हमने स्ट्रॉबेरी केक बनाया है, इसलिए मैंने क्या किया, इसके बीचों बीच स्ट्रॉबेरी जेली ली है। ये वाली जो जेली आती है ना, यहाँ पे आप पैकेट देख सकते हैं, ये जेली बीचों बीच रख देंगे। आप चाहे तो जेली की जगह पे चेरी भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे अपना केक बनके बिल्कुल तैयार है। अगर आप भी मेरे टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हुए केक बनाते हैं तो आपका केक सेम ऐसे ही बनने वाला है। अब मैं आपको केक को कट करके बताती हूँ कि अंदर से कैसे बना है। आप इसे देख के ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना स्पॉन्जी और मॉइस्ट केक बना है। ये देखिए, आपको नजदीक से बताती हूँ। अगर आपको ये मेरी आज की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें। आप चाहे तो इस रेसिपी को आपके फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और भी आने वाली मेरी अच्छी अच्छी रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हम एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।